ऑल राइट, सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे आप सभी लोग, आई होप कि मेरे व्यूवर्स अच्छे होंगे। ओके, सो आज का कंटेंट एकदम यूनिक होने वाला है, बिकॉज मैंने अभी तक ऐसा कंटेंट नहीं लाया अपने चैनल पे एडिटिंग के लिए। सो आज का व्लॉग, यानी कि व्लॉग नहीं बोल सकते, बट ऐसे एडिटिंग जादूगरी आज होने वाली है हमारे चैनल पे। तो अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है मुझे, तो लिंक गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक नाउ। और फॉलो भी कर लेना आपके भाई को, यूनिक यूनिक पोस्ट आते रहते हैं और स्टोरीज भी डालते रहता हूँ। ओके, सो मुद्दे पे आते, तो आज का व्लॉग एडिटिंग पे होने वाला है। जैसे कि सभी लोग को पता होगा 2K20 आने वाला है, यानी कि 2020 और 2019 जाने वाला है। तो सभी लोग को एडिटिंग चाहिए, नहीं तो एडिटिंग मतलब जैसे कॉन्सेप्ट बनाते सब लोग कि 2020 आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट बनाते कि खड़े होके उसके बाद पोज देके फ़ोटो क्लिक करवाते हैं एंड उसको एडिटिंग करके 2020 वगैरह लिखते जो भी होगा। सो मैं एडिटिंग आज करके आपको दिखाने वाला हूँ अपने फ़ोन में पिकार्ट्स और लाइटरूम यूज़ करके, दो एप्लीकेशन। ये आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, जो जाके डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। ओके, सो आज का व्लॉग इसी पे होने वाला है, तो पूरा देख के जाना। और 2020 में क्या यूनिक व्लॉग्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो, 1K फटाफट कर दो। और फिर चलो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं फ़ोन में एंड्रॉयड में। सो ओके, सो अब आपको करना क्या है, पिकार्ट्स एप्लीकेशन को ओपन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो सबसे पहला स्टेप ये है, और ऐड फोटो पे जाना है, और उसके बाद आपका जो फ़ोटो आपने क्लिक करवाया है उसको ले लेना है। तो हमारा फ़ोटो इधर है, उसको ऐड कर लेना है पिकार्ट्स एप्लीकेशन में, और मॉडल को थोड़ा क्रॉप कर लेना है ताकि हमें आसानी हो काटने में फ़ोटो। सो अब कटआउट पे जाएंगे आप, इधर है कटआउट, कटआउट पे जाना है और मॉडल को अच्छे से जूम करके अच्छे से आउटलाइन इस पर लगाना है रेड कलर का, और फिर डन कर देना है। और अब आपको देखना है कि किधर फ़ोटो अच्छे से कटा है किधर नहीं। सो इसको अच्छे से जिधर भी बचा हुआ है उधर अच्छे से काटना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप लोग को ड्रॉ पे जो ये इसका पेंसिल है उसको साइज़ जो है 49 ही रखना है, सही है। और जो हार्डनेस है ये उसको एकदम फुल पे लगा देना है ताकि एकदम क्लियरिटी अच्छे से कटे फ़ोटो की। और फिर फ़ोटो को अच्छे से काट लेना है, अच्छे से कट करना है आपको। ओके, सो अब आपको करना क्या है, सिंपली चेक कर लेना है ये करके कि किधर किधर आपका मॉडल सही से कटा नहीं है, पीएनजी रेडी नहीं है किधर किधर। सो आपको चेक कर लेना है अच्छे से, और उसको भी अच्छे से एकदम काट देना है ताकि कुछ भी बचा ना रहे। ओके, सो अब हमारा मॉडल पीएनजी में रेडी है बैकग्राउंड के लिए। सो अब आपको सिंपली करना क्या है, चेक कर लेना है फिर से एक बार अच्छे से एकदम। सो अब रेडी है हमारा पीएनजी फॉर्म। सो अब आपको सेव कर लेना है ये, और सीधे जाना है आपको ड्रॉ पे, और वहाँ से सिंपली सेव इमेज पे क्लिक कर देना है। और ये हो गया आपका इमेज, यानी कि पीएनजी आपका फ़ोटो, मॉडल का फ़ोटो सेव। तो अब आपको करना है बैक, और आपका जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड अगर आपको चाहिए होगा तो ये मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है अकाउंट का, उस पर जाना और फर्स्ट पोस्ट जो है वो होगा उसमें। सो आप बैकग्राउंड वहाँ से उठा सकते हो, और अगर आपको ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, कोई और बैकग्राउंड चाहिए, तो कहीं से भी आप क्रोम वगैरह से कहीं से भी ले सकते हो। सो अब यहाँ से चालू करना है एडिटिंग आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, रिसेंट पे जाना है, और पिकार्ट्स एप्लीकेशन में जो आपका पीएनजी फॉर्म में फ़ोटो कटा था उसको उठा लेना है, और इसको अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे जैसा भी आपको चाहिए उस हिसाब से इसको सेट कर लेना है। सो अब दिख रहा है, और
यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी अपने हेयर्स को काटने में, तो इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे हार्डनेस फुल करके। सो ये हो गया बराबर। ओके सो अब सेकंड स्टेप क्या रहता है कि आपको जाना है सिंपली ड्रॉ में, और फिर इसके पेंसिल पे जाना है ब्रश पे, और ब्रश में जैसे कि आपको ये मिलता है तो इसको नहीं लेना है, ये वाला लेना है आपको, ये थोड़ा हल्का रहता है शेडो टाइप का, तो इसको लेना है और फिर सेट कर लेना है इसको, और फिर आपको शेडो यहाँ पे ड्रॉ करना है ताकि फ़ोटो एकदम रियल लगे। सो शेडो ड्रॉ कर लेना है, और ये हो गया इधर शेडो, और फिर आपको सेकंड वाले शूज़ पे करना है शेडो थोड़ा ड्रॉ, और फिर इसको भी इरेज से थोड़ा बराबर कर लेना है अच्छे से। ये आपका बन गया शेडो। अब इस पे लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे ओपेसिटी जो आपको दिख रही होगी ये, उसको थोड़ा कम कर लेना है आपको, कर लेना है उसको लगभग 59-60 लगभग, वही जैसा आपको सही लगे थोड़ा, ताकि रियल लगे देखने में। ओके सो ये हो चुका है, अब इसको कर लेना है डन। ये हो गया डन, और अब आपको जाना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ आपको मतलब अगर आपको ये वाला PNG चाहिए, ये स्मोक वाला, तो ये आपको गूगल वगैरह पे आसानी से मिल जाएगा, आप कहीं से भी उठा सकते हो, स्मोक PNG वगैरह लिख देना आ जाएगा। सो इसको उठा लेना है, और अगर बैकग्राउंड PNG नहीं है इसका तो आपको इस पे जाना है और स्क्रीन पे जाना है, तो ये आपका बैकग्राउंड PNG हो जाएगा, और फिर आपको ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम कर लेनी है ताकि यूनिक दिखे थोड़ा। डन, ये हो गया डन। अब आपको अगर आपको हेयर्स वगैरह आपके नहीं अच्छे लग रहे, थोड़े यूनिक चाहिए, तो आपको जाना है फिर से पिंस पे जो मैंने डाउनलोड करके रखी है, ये भी आपको आसानी से गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, तो इसको ले लेना है, और इसको भी अच्छे से कट कर लेना है, तो इसको अच्छे से काट लेना है, और इसको सेट करना है अच्छे से कटिंग करके। सो ये हो चुका है कट, PNG फॉर्म में आ चुका है हमारा ये। सो इसको मुझे अपोजिट साइड में इसको करना है, जी हाँ अपोजिट साइड में ये हो गया, तो इसको अच्छे से सेट कर लेना है हेयर को अपने, काफ़ी यूनिक हेयर है। ओके सो अब आपको करना क्या है, इरेज पे जाना है सिंपली, अच्छे से हमारा बाल अभी सेट हो चुका है, बट उसको अच्छे से हार्डनेस आपको जैसे कि मैंने बताया उसको तेज एकदम मतलब फुल कर लेना है, और ब्रश का भी हार्डनेस फुल है, सो इसको अच्छे से कट करना है ताकि एकदम रियल लुक दे ये। सो ये डन हो चुका है, और उसके बाद आपको कर लेना है ड्रॉ पे जाके सेव, ताकि फोटो की क्वालिटी फटे ना, और सेव इमेज हो गया सेव। अब आपका पिकार्ड्स का काम खत्म, फिर जाना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, और फोटोज़ पे जाना है, और फिर और पिकार्ड्स पे जाना है सिंपली। तो ये था हमारा फोटो, और इसको ऐड कर लेना है Lightroom एप्लीकेशन में, यहाँ पे है, जो कि ये भी मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पे, इसको ऐड कर लेना है, और ये हो चुका है ऐड। अब जाना है आपको Lightroom पे, तो Lightroom इधर है, Lightroom एप्लीकेशन ओपन करके आपको सिंपली चले जाना है, और फिर आपको ओपन कर लेना है। और अब क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट पे जाना है, और एक्सपोजर आपको चेक कर लेना है, आपको डीम चाहिए या फिर ज़्यादा हाई थोड़ा चाहिए, तो मुझे 2% चाहिए, तो एक बार क्लिक कर देना इधर, एक बार क्लिक करके 0.10 EV, और कॉन्ट्रास्ट जो हमारा है वो 2% है, हाइलाइटर्स जो हमारा है वो 6% है, शेडोज है हमारा 3-% पे है, और वाइट्स हमारा जो है 3+ पॉइंट पे है। और जाना है आपको इस पे, और सैटिवेशन आपका देख लेना है, सो इसको भी मैं 2% करता हूँ प्लस पॉइंट पे, और इसको भी मैं प्लस पॉइंट पे 2%, नहीं ये थोड़ा नहीं, इसको रहन देते हैं, एंड मिक्स पे जाना है, एंड जो बैकग्राउंड आपका रहेगा वो किस कलर का है वो आपको देखना है। तो मेरा ये बैकग्राउंड बादल जो वगैरह है वो थोड़ा ब्लू टाइप का है, तो आपको ब्लू पे जाना है, और यहाँ से देख लेना है
इधर तो और कोई कलर है नहीं, सिर्फ ब्लू है, इधर तो कुछ है नहीं रेड पे, तो इसको सिंपली डन कर देना है और जाना है इस पर, और टेक्सचर आपका देख लेना, टेक्सचर जैसा क्वालिटी रहता है फ़ोटोज़ का उसी हिसाब से टेक्सचर आता है। टेक्सचर हम फुल कर रहे हैं 2% कम करके, और क्लियरिटी आपको देख लेना है क्लियरिटी कितना चाहिए। सो क्लियरिटी हमको इतना ही चाहिए, इतना कर दे रहे हैं 16 पे या फिर 12 सही है। और ये विनिटी देख लेना है आपको, इसको हम लो करेंगे माइनस पॉइंट पे, बिकॉज ये ब्लैक फेड आता है साइड साइड में, ये काफ़ी ऑसम लुक देता है। बस यहाँ से अब देख लेना है, ये शार्पिंग हल्का सा करना है, नहीं तो चेहरे पे बहुत ज़्यादा वैसा वगैरह आने लगता है एडीएस। और अब नॉइज रिड्यूस करना है हमको फेस का अपने, तो इसको सिंपली 13 पॉइंट पे हमने किया है, जिस हिसाब से हमारा फेस रहेगा लुक वैसा देगा। सो 13 पे किया हमने, और इधर कलर नॉइज़ रिड्यूस देख लेना है। सो ये आपका जो कलर वगैरह रहेगा कपड़े वगैरह के, वो उसमें टेक्सचर थोड़ा स्मूथ वगैरह आ जाएगा, तो ये भी सिंपली फुल कर लेना है हमको अच्छे से, और ये अच्छा हो गया। अब यहाँ से सिंपली आपको कर देना है सेव पे क्लिक, सेव टू डिवाइस, ओके। सो ये हो रहा है हमारा सेव, और हो गया ओके सेव। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने पूरा अच्छे से आपको ट्यूटोरियल दिया है इसका, पिकार्ड्स और लाइटरूम में कैसे एडिटिंग होती है। सो ये ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और क्या इसी के लिए। ओके सो होप करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर बैकग्राउंड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का, उस पर जाओ, एकदम फर्स्ट पोस्ट जो होगा उसको ओपन करके और स्क्रॉल करके चेक कर लेना। मैंने एक पोस्ट में 2 फोटोज डाली है, एक बैकग्राउंड है सिंपल, और एक है फ़ोटो मेरा, तो बैकग्राउंड आप वहाँ से ले सकते हो, उठा सकते हो, तो जाके चेक कर लो, और मन करे तो फॉलो भी कर लेना अगर अच्छे अच्छे यूनिक पोस्ट होंगे। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, अगर एंजॉय किया तो लाइक से सब्सक्राइब, और तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून, बाय बाय। ऑल राइट सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं सभी लोग, आई होप कि मेरे व्यूवर्स अच्छे होंगे।